हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस सिविक्स यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक जीवन का भाग 2 चैप्टर नंबर 4 है समाज में लिंग भेद। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1, अगर आप श्यामा की जगह पर होते तो क्या करते। उत्तर में लिखेंगे, अगर मैं श्यामा की जगह पर होता तो अपने परिवार को मनाने की कोशिश करता कि वह मुझे भी पढ़ाई के लिए स्कूल भेज दे, मुझे भी पढ़ने लिखने के में सहयोग करे और मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने और इसकी इस सोच को बदलने को कोशिश करती कि लड़कियां सिर्फ घर के कार्य ही कार्य कर सकती हैं और पढ़ लिख करके वे क्या करेंगी, तो उन्हें तो बड़ी होकर चूल्हा ही फूकना है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जो लड़कियां होती हैं वो भी घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकती हैं, ना कि उनको सिर्फ चूल्हा फूकने के लिए पैदा हुई हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, श्यामा के परिवार की सोच का श्यामा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखेंगे, श्यामा के परिवार की सोच की लड़कियाँ तो बड़ी होकर के चूल्हा ही फूकेंगी, इससे श्यामा की ज़िंदगी बिल्कुल घर में कैद हो गई। उसे पढ़ाई नहीं करने दिया जाने से वह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी और ज़िंदगी को अपने ढंग से नहीं जी पाएगी। उसे हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, वह कभी बाहर की दुनिया को नहीं देख पाएगी, कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। उसकी ज़िंदगी घर के अंदर चार दीवारी में ही बंद होकर रह जाएगी। अगला प्रश्न है कि इन्हें शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद के जीवन में किस तरह का फ़र्क है। तो उत्तर लिखेंगे, शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद जिस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं उनमें बहुत अंतर है। शबाना और जावेद बहुत ही अच्छे माहौल के बीच बड़े हुए हैं। उनके घर में उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। इस कारण घर के कार्यों को सभी मिलजुल करके कार्य करते हैं। शबाना, जावेद अपनी पढ़ाई के साथ ही घर का कार्यों को करने में अपनी माता पिता का सहयोग करते हैं। वे दोनों बड़े होकर के देश की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपने माता पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए उनका पूरा सहयोग करते हैं। श्यामा के साथ ऐसा नहीं है, उसके घर का माहौल जो है ऐसा नहीं है। उसके यहाँ लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उसे आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं दिया जाता है। गोविंद के घर में उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं। उसकी माँ थक जाने के कारण कभी कभी घर का काम नहीं कर पाती, जिस कारण उसके माता पिता के बीच झगड़ा होता। गोविंद को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए वह घर का कुछ काम जैसे कि बर्तन साफ करना, जलावन की लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना आदि वह खुद ही कर लेता है, जिस कारण उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि गोविंद के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते हैं, क्या उसका चिढ़ाना उचित है। उत्तर में कहेंगे, गोविंद के दोस्त उसे इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वे अपने घर का कार्य जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, जलावन की लकड़ी लाना आदि करता है। गोविंद के दोस्तों को गोविंद का चिढ़ाना सही नहीं है क्योंकि अपने घरों के कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। अगर लड़कियाँ घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटा सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं। अगला प्रश्न है कि आप गोविंद के दोस्त होते तो क्या करते हैं। उत्तर में कहेंगे, अगर हम
गोविंद के दोस्त होते तो उसे चिढ़ाते नहीं, बल्कि उससे उसकी तरह से हम भी अपने घरों में अपने माँ के कामों में हाथ बटाते, घर के छोटे मोटे कामों को कर देते जिससे हमारी माँ को थोड़ा आराम मिलता। घर के छोटे मोटे कामों को करने में कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से बेटियाँ अपने घरों के काम में माँ का हाथ बटाती हैं, उसी तरह से बेटों को उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर आप किस रूप से बड़ा होना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर में लिखेंगे, पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर मैं जावेद और शबाना की तरह बड़ा होना चाहूँगी। जावेद और शबाना के घर का माहौल बहुत ही अच्छा है। वहाँ बच्चों को घर के कार्य करने के साथ साथ पढ़ने लिखने का भी छूट दिया गया है। वे लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं और उन लोगों का सपना है कि बड़े होकर के वे लोग देश की तरफ से क्रिकेट खेलें। उनके माता पिता उनके इस सपने को पूरा करने में उनका सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके घर में बेटा होने के कारण जावेद को पढ़ने का हक है और शबाना बेटी है इसलिए उसकी पढ़ाई बंद करवा करके उसे घर के काम करने में को कहा जाए। इसके घर के बेटे और बेटियों के समान रूप से व्यवहार किया जाता है और दोनों के सपनों को की कद्र की जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, लड़के व लड़कियों के पहनावे और खिलौनों में फर्क है, चर्चा करें। तो ध्यान में रखेंगे, लड़के व लड़कियों के पहनावे और खिलौनों में फ़र्क है समाज के लोगों की सोच के कारण। समाज ही लड़के और लड़कियों के में अंतर करता है। समाज के द्वारा ही तय किया जाता है कि लड़कियों और लड़कों के कपड़े और खिलौनों कैसे होंगे। बचपन से लड़के और लड़कियों के खिलौनों में भी फ़र्क किया जाता है। जैसे लड़के को खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। इन खिलौनों के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की जाती है जब वे बड़े होकर के स्त्री या पुरुष होंगे तो उनके जीवन का तरीका अलग अलग होगा। बचपन से इस तरह की बातों को देखते हुए उन्हें ऐसा लगने लगता है कि स्त्री व पुरुष की भूमिका को निभाना उनका प्राकृतिक गुण है और उन्हें जीवन भी उसी आधार पर जीना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आपके घर में ज़्यादातर काम कौन करता है और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, मेरे घर में ज़्यादातर काम मेरी माँ करती है क्योंकि मेरे पिताजी सुबह ऑफिस चले जाते हैं। मेरी माँ एक गृहिणी है, वह घर के सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से करती है। वह घर की देखभाल करती है, हमारी सेहत का भी ध्यान रखती है। वह सबसे पहले रसोई घर के कामों को निपटाती है, फिर घर के झाड़ू पोछा करती है, बिस्तर ठीक करती है। इन सारे कार्यों के अलावा वह हमारे पढ़ाई का भी ध्यान रखती है, हमारे होमवर्क पूरा कराने में हमारी मदद भी करती है। इसके अलावा घर के बाहर का सारा कार्य भी करती है, जैसे कि घर के लिए कुछ सामान लाना, बैंक का कार्य, बिजली का बिल आदि। मेरे पिताजी सुबह ऑफिस जाते हैं और रात आते हैं। उनके ऑफिस जाते वक्त दुकानें बंद रहती हैं और आते वक्त आधे से अधिक दुकानें बंद हो जाती, इसलिए मेरी माँ को ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक घर में लड़का और लड़की के रूप में कौन सा काम करेगा? तो जैसे कि अगर जैसे देखते हैं कि घर में होते हैं तो लड़के या लड़की रहेंगे, अगर कोई मेहमान आता है तो कौन जाएगा पानी उन्हें पिलाने के लिए, इसके बारे में बात की गई है। मेहमान के लिए एक गिलास पानी लाना एक किसका काम है? लड़के या लड़की का। दूसरा है, माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना, एक किसका काम है? लड़के या लड़की का। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि घर के खिड़की दरवाजे की सफाई करना, एक किसका काम है? उसी प्रकार पिता की मोटरसाइकिल साफ करना, एक किसका काम है? बाजार से चीनी लाना, इसका काम है? किसी आगंतुक के आने पर दरवाज़ा खोलना, एक किसका काम है? तो जैसे कि इसका सभी को उत्तर लिखा है, पहले का काम हो जाएगा, पहला लड़का करेगा। लड़का मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, मेहमान के लिए एक गिलास पानी लड़का ले जाएगा, माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को लड़का बुलाएगा, घर की खिड़की दरवाजे को कौन साफ करेगा? लड़की साफ करेगी। और चौथा आपकी बात करते हैं, पिताजी की मोटरसाइकिल कौन? लड़का ही साफ करेगा। बाजार से चीनी कौन लाएगा? लड़का लाएगा। और छठा जो है, किसी आगंतुक के आने पर दरवाज़ा कौन खोलता है?
वो लड़की खोलती है। तो इस प्रकार से दोनों में भेद किया जाता है। जेंडर पक्षपात की बात होती है यहाँ पे, रूढ़िवादिता को जन्म देता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि आपके परिवार या पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों में भेद होता है? उसकी समझ में से यह भेद किस प्रकार का होता है? उत्तर, हाँ, मैंने अपने घर के आसपास आस पड़ोस में लड़के और लड़कियों को भेद में भेद होते देखा है। लोग अपने लड़कियों और लड़कों में भेद करते हैं, वे उनके पहनावे, खान पान, खेल कूद आदि में भेद भाव करते हैं। वे अपने बेटों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने बेट लड़कियों वे अपने लड़के को अपने हैसियत के बराबर से हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। वे अपने लड़कों को पढ़ाई भी करवाते हैं, उन्हें घर का कोई काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्कूल से पढ़ाई करके आया है, थक गया है। उसे बिल्कुल ताज़ा खाना दिया जाता है, उसके खाने में मौसमी फल होने चाहिए, खाने में दूध का भी होना जरूरी होता है। खाली समय में उसे पढ़ाई के अलावा खेल कूद भी में भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके सारे फरमाइशों को तुरंत पूरा किया जाता है। अगर कुछ भी गलत करता है तो टाल दिया जाता है। लड़कियों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी पसंद नापसंद कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती है। उनसे घर के कार्यों को करने को कहा जाता है। उनके खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके खाने में फल फूल दूध आदि का होना ना होना कुछ खास मायने नहीं रखता है। खाली समय में कुछ समय ही पढ़ाई कर पाती हैं, बाकी के समय में कुछ ना कुछ काम करने को बोल दिया जाता है। लड़कों की तरह उनको किसी बात को तुरंत पूरा नहीं किया जाता है। लड़कियों को हमेशा यह सिखाया जाता है कि उन्हें बड़े होकर के दूसरों के घर जाना है, इसलिए उन्होंने घर के सारे कामकाज को आने चाहिए। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष का काम क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, मेरे हिसाब से महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम ज़्यादा मूल्यवान नहीं होता है। हमारे समाज में पुरुषों के काम को ज़्यादा मूल्यवान इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि घर के बाहर जाकर के काम करते हैं। इसके लिए उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, काम को सीखना पड़ता है, जिससे पैसा भी खर्च होता है। पर महिलाएं घर पर काम करती हैं, इसके लिए उनका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। घरेलू कार्यों का वो सीखने के लिए उन्हें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इन कामों को करना तो महिलाओं का स्वाभाविक गुण होता है, इसलिए महिलाओं का कार्य जो हो मूल्यवान नहीं माना जाता है। पर आज के समय में महिलाएं पुरुषों की तरह पढ़ाई भी करती हैं, कामों को भी सीखती हैं और उसी तरह से घर के बाहर जा कर के काम भी करती हैं और पैसे भी कमाती हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिला कर के कार्य करती हैं। आज के समय ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं नहीं। इन सारे कार्यों के साथ साथ वे घर के कार्यों को भी संभालती हैं और अपने परिवार को भी। इसलिए मेरे हिसाब से पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का कार्य मूल्यवान होता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू मजदूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत कर उनके कार्यों का विवरण, काम के घंटे, समस्याएं एवं मजदूरी आदि की सूची तैयार करें। उत्तर में यह स्वयं विद्यार्थी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि अगर आपकी माँ का काम 2 दिन के लिए आपको सौंप दिया जाए तो उन कार्यों को करने में क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी? तो उत्तर में लिखेंगे, अगर मेरी माँ का काम 2 दिन के लिए मुझे सौंप दिया जाए तो उन कार्यों को करने में सबसे बड़ी समस्या है कि माँ की तरह जल्दी जल्दी सारा काम नहीं कर पाती हूँ। मैं माँ की तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती हूँ और घर की सफाई भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।